नमस्ते जनता वासियो, योर फ्रेंड आकुश हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस वंस अगेन। और कैसा लगा आपको वीडियो? पुराना वीडियो अच्छा था, अभी भी चल ही रहा है, ट्रैक पे है। ट्रैक से याद आया, काफ़ी चीज़ें और भी ट्रैक पे हैं, तो आज का वीडियो भी ऐसे ही है। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो है एक ब्रांड के लिए, उसका नाम है अक्षय कल्पा। तो आप जानते होंगे अक्षय कल्पा के बारे में। तो उसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो फार्मर्स को सपोर्ट करती है गाइस। तो इनकी 80 to 90% सेल जो भी होती है ना, वो फार्मर्स को सीधा जाती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अक्षय कल्पा फॉर सेंडिंग मी दिस रियली गुड पैकेज। सो मैं आपको बताता हूँ पैकेज में क्या क्या आया था। तो उनके पैकेज में सबसे पहली चीज़ आई थी उनका कर्ड, फिर आया था उनका एक बटर, एक मिल्क और एक चीज़। सो यू नो वॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल दिस? इट्स ऑल ऑर्गेनिक, यू नो, इट्स ऑल ऑर्गेनिक। तो आज मैं आपके सामने जो बनाने जा रहा हूँ ना, इन्हीं से रिलेटेड दो डिशेस बनाऊंगा इसके, इनको यूज़ करते हुए। और एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरे खुद पर्सनली रेस्टोरेंट की ना दो हाइएस्ट मूविंग यू नो रेसिपीज़ हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ। पहला है बनाना केक और दूसरा है वेजीज कॉर्न सैंडविच। तो मैं पहले आपको वेजीज कॉर्न सैंडविच बनाना दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। एंड टू ऑल माई चीज़ लवर, दिस इज़ फॉर यू। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या जाएगा गाइस। चलिए आ जाइए, अब बनाते हैं इसको, बनाते हैं और आपको दिखाते हैं बनता कैसे है। चलिए तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था, राइट? बहुत ही जल्दी बन जाता है, बेहद टेस्टी होता है,
फुल ऑन चीज़ी रहता है गाइस, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाक से हम अगली रेसिपी देखते हैं जो कि है बनाना केक। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इस वीडियो के एंड पे मैं एक रेफरल लिंक भी आपको दूंगा जो कि मेरा पर्सनल रेफरल लिंक है। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको एक अक्षयकल्पा की तरफ से ऑर्गेनिक मिल्क का पैकेट फ्री मिलेगा। तो गाइज अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिफोर मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग प्लीज़ ट्राई दैट, उसके बाद आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम बनाना केक की तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने देखा बनाना केक भी बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बेस लिया तो मैंने उसमें बनाया। जैसे आपके पास कोई भी मोल्ड हो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 180 डिग्री पे पहले आप 20 मिनट प्रीहीट कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। यूजुअली बनाना केक को 45 to 50 मिनट्स लगता है, तो मैं टू बी वेरी सेफ साइड पर जाने के लिए मैं 1 घंटा रखता हूँ ताकि एकदम प्रॉपरली आए। तो आप भी अगर आप वैसा ट्राई कर सकते हो ट्राई कर लीजिए। और दोनों रेसिपी आपने देखी कितनी इजी है, आसानी से बनाई मैंने, आप भी ट्राई करिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और मेरे को बताइए आपको कैसा लगा। एंड एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि मैंने जब ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट्स ट्राई किए तो मुझे तो अपने टेस्ट, मतलब जो खुद के बनाए हुए टेस्ट में बहुत फ़र्क दिखा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, विद नो प्रिजर्वेटिव्स, तो ये तो खाने को एनहेंस कर ही देता है। एंड फॉर मी येस आई वॉन्ट टू यूज़ रेगुलरली, बिकॉज अगर मैं ये कस्टमर्स को दूंगा तो ऑब्वियसली उनको भी चेंज फ़र्क पता चल जाएगा। बिकॉज क्योंकि जिस दिन मैंने ये आज मैंने बनाया और आज ही मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी ये सैम्पल खिलाया था कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, उनको भी बहुत पसंद आया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चेंज पता चल रहा है तो गाइज आप ही ट्राई करिए, बिकॉज ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम हेल्दी है ये। और गाइज आजकल की ज़िंदगी में हेल्दी खाना मतलब वही चैन की ज़िंदगी है गाइज, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए। और आई वुड लाइक टू से, मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि बहुत बहुत शुक्रिया अक्षयकल्पा, आपने मेरे लिए ये छोटा सा सैम्पल भेजा। आप चाहते थे कि मैं एक बार ट्राई करूँ और मुझे ट्राई करने के बाद बहुत ही पसंद आया। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द सर्विस विद यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस। एंड आई वुड से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। तो इसी नोट पर मैं आपको अलविदा कहता हूँ, अगली वीडियो में आपको एक बार फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।